दोस्तों, अगर आप भी शिखर धवन को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक ऐसा मुकाबला खेला गया जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, सांस रोक देने वाले इस मुकाबले में किस तरीके से आखिरी ओवर का एक खतरनाक रोमांच देखने को मिला और मोहम्मद सिराज के इस ओवर में क्या कुछ ड्रामा हुआ, उसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं इस खतरनाक मुकाबले की हाइलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है शिखर धवन और रोहित शर्मा में से बेहतरीन कप्तान कौन है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच जब मुकाबले की शुरुआत हुई तब कैरिबियाई कैप्टन निकोलस पुरन ने टॉस जीतकर भारत के नए नवेले कप्तान शिखर धवन को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा और अच्छी दिख रही पिच पर भारत के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन और आज के मुकाबले में शामिल किए गए शुभमन गिल ने एक धमाकेदार शुरुआत की, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में तो वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के धागे खोल के रख दिए। बता दें कि इस मुकाबले में शुभमन गिल ने अपने वनडे करियर का पहला अर्धशतक लगाया। वो बेहद आक्रामक नजर आ रहे थे। केवल 53 गेंदों में 64 रनों की पारी खेलते हुए शुभमन गिल ने अपनी इस पारी में 6 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के भी लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 120 का रहा। जिस तरीके से गिल बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था वो शतक जड़ देंगे, लेकिन वो बेहद अनलकी रहे और कप्तान शिखर धवन के साथ मिसकम्युनिकेशन के चलते रन आउट हो गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने अपना काम कर दिया था। अब यहां से बारी थी कप्तान और उप कप्तान की। जी हां, रविंद्र जडेजा की अनुपस्थिति में टीम इंडिया की उप कप्तानी श्रेयस अय्यर के कंधों पर थी। कप्तान के रूप में शिखर धवन ने अपना गब्बर वाला रूप अख्तियार कर लिया था। अर्धशतक लगाने के बाद वो और भी आक्रामक हो गए थे। इस मुकाबले में जहां श्रेयस अय्यर 57 गेंदों में 54 रन बनाए थे, तो वहीं शिखर धवन ने 99 गेंदों में 97 रन बनाए और वो बेहद अनलकी रहे। महज 3 रन से अपने शतक से चूक गए। शतक ना बना पाने के बावजूद उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और 3 छक्के लगाकर करोड़ों भारतवासियों का दिल जीत लिया और 57 गेंदों में 54 रन बनाने वाले श्रेयस अय्यर ने 5 चौके और 2 शानदार छक्के लगाए। सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने 14 गेंदों में 13 रन बनाए थे, तो वहीं संजू ने 18 गेंदों में केवल 12 रनों का योगदान दिया। लेकिन अंत में अक्षर पटेल के साथ दीपक हुड्डा ने अच्छी पारी खेली, जिसकी बदौलत टीम इंडिया वेस्टइंडीज के सामने 309 रनों का टारगेट खड़ा कर पाई। दोस्तों, 309 रनों का लक्ष्य वेस्टइंडीज के लिए काफी था और भारत के बेहतरीन तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने शुरुआत में ही कैरिबियाई टीम को झटका देकर इस लक्ष्य को और बड़ा कर दिया। बता दें कि वेस्टइंडीज के बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज शाई होप को उन्होंने 5वें ही ओवर में पवेलियन की राह दिखा दी। 18 गेंदों में महज 7 रन बनाने वाले साई होप वेस्टइंडीज की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। हालांकि उनके जाने का फर्क कैरिबियाई टीम पर ज्यादा नहीं पड़ा। बता दें कि वेस्टइंडीज के धाकड़ ओपनर बल्लेबाज काइल मेयर्स और साई होप के जाने के बाद बल्लेबाजी करने ब्रुक्स ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा रनों की पार्टनरशिप करके टीम इंडिया को मुश्किलों में डाल दिया था। कोई भी गेंदबाज इन दोनों ही बल्लेबाजों को आउट नहीं कर पा रहा था। ऐसे में कप्तान शिखर धवन ने अपनी कप्तानी दिखाई। जी हाँ, 24वें ओवर में उन्होंने उस गेंदबाज को गेंद दिया जो पार्टनरशिप तोड़ने में माहिर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की। आते ही ठाकुर साहब ने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे ब्रुक्स को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कराते हुए टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिलाई और उन्होंने इस बात को एक बार फिर से साबित कर दिया कि आखिर उन्हें पार्टनरशिप ब्रेकर क्यों कहा जाता है। अभी वेस्टइंडीज धीरे धीरे संभल ही पाती कि लॉर्ड ठाकुर ने एक बार फिर से अपना करिश्मा दिखाते हुए 26वें ओवर की 5वीं गेंद पर धाकड़ बल्लेबाजी कर रहे काइल मेयर्स को भी विकेट के पीछे संजू सैमसन के हाथों पवेलियन की राह दिखा दी। अब टीम इंडिया इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत करने लगा था, लेकिन फिर कैरिबियाई कैप्टन पूरन और ब्रैंडन किंग ने एक अच्छी साझेदारी कर टीम इंडिया को फिर से मुश्किल में डाल दिया। बता दें कि ब्रैंडन किंग ने 66 गेंदों में 54 रन बनाए थे, तो पूरन ने 26 गेंदों में 25 रनों की पारी खेले। ब्रैंडन किंग को जहां चहल ने आउट किया, तो वहीं पूरन को मोहम्मद सिराज ने पवेलियन की राह दिखाई और इस तरीके से भारत इस मुकाबले में फिर से वापसी कर पाया। लेकिन दोस्तों, अभी पूरा रोमांच बाकी ही था, क्योंकि सभी भारतीय गेंदबाज अकील हुसैन और रोमारियो शेफर्ड के खतरे से अनजान थे। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला भारतीय टीम की मुट्ठी में आ गया है, लेकिन इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मुकाबले को आखिरी ओवर में पहुंचा दिया।
बता दें कि आखिरी ओवर में वेस्टइंडीज को जीत के लिए 15 रनों की दरकार थी और कप्तान धवन ने गेंद दी मोहम्मद सिराज के हाथों में। भारतीय प्रशंसकों की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी क्योंकि ये बड़ा ही रोमांचक ओवर होने वाला था। पहली दो गेंदों पर तो सिराज ने केवल एक रन दिए, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर रोमारियो शेफर्ड ने एक शानदार चौका लगाया। फिर क्या था, भारतीय प्रशंसकों की धड़कन और तेज हो गई और अगली गेंद पर रोमारियो शेफर्ड ने दौड़कर दो रन दिए। फिर अगली गेंद पर सिराज ने वाइड फेंक दी। अब दो गेंदों पर वेस्टइंडीज को जीत के लिए 7 रनों की दरकार थी। फिर आज फिर वापसी करते हुए शेफर्ड को पांचवी गेंद पर केवल 2 रन बनाने देते हैं। अब ऐसे में आखिरी गेंदों पर 5 रनों की दरकार थी, लेकिन फिर सिराज के यॉर्कर गेंद पर रोमारियो शेफर्ड कहां कुछ करने वाले थे और आखिरी गेंद पर केवल 1 रन बने। और इस तरीके से इस सांस रोक देने वाले मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 3 रनों से करारी शिकस्त दी। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और युजवेंद्र चहल ने 2-2 सफलताएं अपने नाम की। बाकी की गेंदबाजों के हाथ एक भी सफलता नहीं लगी थी। तो दोस्तों, भारत की शानदार जीत को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।